नमस्कार दोस्तों, टीवी इंडिया में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मजबूत इम्यूनिटी की। जी हाँ दोस्तों, मौसम के हर परिवर्तन के साथ अपने आहार में परिवर्तन लाना महत्वपूर्ण है। खासकर मानसून में खान पान का बेहद खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि इस मौसम में इन्फेक्शन जल्द ही पकड़ लेता है। इसके अतिरिक्त इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की वजह से चारों तरफ उसका आतंक छाया हुआ है। कई लोगों को मानसून डाइट के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी अनाप शनाप खा लेते हैं। नतीजन फूड पॉइजिंग व डायरिया जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अच्छी स्वास्थ्य और मजबूत इम्यूनिटी के लिए बारिश के मौसम में आपको कई ऐसे खाना खाना चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा दे व इन्फेक्शन संक्रमण को दूर रखने में मदद करें। दोस्तों, साथ ही साथ मानसून में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, मानसून में हरी पत्तेदार सब्जियों खाने का समय नहीं है। करेला, लौकी, कद्दू, शकरकंद, जिमीकंद आदि ऐसी कई सब्जियां हैं जिन्हें बारिश के मौसम में खाया जा सकता है। गेहूँ, मक्का, जौ जैसे साबुत सूखे अन्न व दालों को अपनी डाइट में शामिल करना हेल्थ के लिए अच्छा है। इस मौसम में सरलता से मिलने वाले भुने भुट्टे के सेवन से पर्याप्त फाइबर मिलता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त अपने आहार में सूखे मेवों को शामिल करना भी लाभकारी होता है। बतौर हम कच्चे फलों सब्जियों की सलाद खाना पसंद करते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में आपने इस शौक को थोड़ा सा बदल लीजिए, क्योंकि बरसात के समय में सलाद को उबाल कर बनाना चाहिए। आप जिस कच्चे फल या सब्जी की सलाद खाना चाहते हैं उन्हें अच्छी तरह धुल कर उबालना चाहिए। इसके बाद अपने मनपसंद ढंग से इसका सैलड तैयार करना चाहिए। मानसून के मौसम में दूषित पानी पीने से बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। जल में उपस्थित बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचकर डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव डालता है। इसके लिए हमें लिक्विड जो हमारे पेट में बनता है वो अच्छी तरह से पच नहीं पाता, इसलिए फिल्टर पानी या उबला हुआ पानी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।